हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मशरूम काली मिर्च की रेसिपी, जिसे मैं बनाऊंगी व्हाइट ग्रेवी में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। वैसे तो इस काली मिर्च ग्रेवी की रेसिपी से मैंने पनीर काली मिर्च की रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर की है, तो आज उसी ग्रेवी की रेसिपी का यूज करके मशरूम काली मिर्च की डिश बनाएंगे, जो खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर आपने मेरी पनीर काली मिर्च की रेसिपी अभी तक ट्राई नहीं की है, तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करें और पनीर काली मिर्च की वीडियो भी ज़रूर देखें। तो चलिए बनाते हैं मशरूम काली मिर्च की रेसिपी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, हाई फ्लेम पर कढ़ाई को 30 से 40 सेकेंड्स के लिए गर्म कर लेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, मशरूम्स को सबसे पहले शैलो फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड तेल। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे 200 ग्राम यानी 1 पैकेट के करीब मशरूम्स। मशरूम्स को पहले धो ले और फिर बड़े साइज के मशरूम को 4 भाग में और छोटे साइज के मशरूम्स को 2 भाग में कट कर ले। इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मशरूम्स को इस तरह कैरामलाइज करने से इसका जो रंग और टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया हो जाता है और सब्जी का जो स्वाद है वो भी कमाल का आता है। तो ये स्टेप जरूर करें कोई भी मशरूम की सब्जी बनाने के पहले। इसी बीच इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, या जिसे हम गोल मिर्च भी बोलते हैं, इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मशरूम काफी पानी छोड़ता है, तो अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इसे फ्राई होने में काफी टाइम लगेगा और ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाएंगी, जिससे इनका शेप भी बिगड़ जाएगा। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है इनका। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चलिए ग्रेवी बनाने के लिए व्हाइट पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता। इन्हें थोड़ा चला लेंगे और डालेंगे 3 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच कटा हुआ अदरक, 2 कटी हुई हरे मिर्च और साथ में डालेंगे 10 से 12 काजू और इन्हें लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। इसे हमें सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट या हल्का गुलाबी ही करना है ताकि जो पेस्ट है वो अच्छा सा सफ़ेद सा बने। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और प्याज भी हल्का गुलाबी हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी। अब ढक्कन लगा लेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए प्याज नरम हो गया है और काजू जो हमने डाला था वो भी अच्छे से फूल गया है। अब जो इसका पेस्ट बनेगा ना वो बहुत क्रीमी बनेगा, तो अब गैस बंद कर लेते हैं। इन्हें पीसने के पहले जो भी खड़े गर्म मसाले हैं उसे हम निकाल लेते हैं। तो किसी चम्मच या चिमटे की सहायता से आप इस तरह से इसे निकाल लें। अब प्याज को ठंडा होने दें। इन्हें मैंने ठंडा करके एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लिया है कुछ इस तरह से, और जो पानी था उसमें वो भी मैंने इसमें डाल लिया है और इसे मिक्सर में पीस कर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है कुछ इस तरह से। अब गैस ऑन कर कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रिफाइंड तेल। फ्लेम को मीडियम पर रख कर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गई है तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। बटर को तेल डालने के बाद ही डालें ताकि बटर जले नहीं। अब फ्लेम को लो पर रख कर जो व्हाइट पेस्ट हमने रेडी किया था वो इसमें डाल लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे पका लेना है करीब 4 से 5 मिनट के लिए। इसी बीच इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, जिसे गोल मिर्च भी हम बोलते हैं, और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून चीनी। चीनी ज़रूर डालें, ये टेस्ट को बैलेंस करता है। सब्जी का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा आता है इससे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हल्का सा तेल भी अलग दिख रहा है, तो अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। बहुत खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है इसमें और दही को फेंट कर ही डालना है ताकि ग्रेवी स्मूथ बने
और दही को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही डालना है ताकि दही फटे नहीं। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए मशरूम्स, इन्हें अच्छे से मिला लेंगे, फिर डालेंगे आधा कप पानी और ढक्कन लगाकर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटाकर सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब लास्ट में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम। मैंने यहाँ अमूल क्रीम का यूज़ किया है, पर आप चाहें तो दूध की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम डालने से ग्रेवी और सफ़ेद और रिच लगती है, तो इसे ज़रूर डालें। और ये लीजिए, बनकर रेडी है ये क्रीमी मशरूम काली मिर्च की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में रोटी, पराठे, नान या कुलचे के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट कर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, टेक केयर।